एक विवाह ऐसा जहां थाना अध्यक्ष बनते हैं दूल्हा शिव और उनकी पत्नी बनती है दुल्हन पार्वती। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव के विवाह की वर्षगांठ महाशिवरात्रि के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। भगवान शिव अनादि देवी हैं और न तो उनका जन्म हुआ है न अंत। यही कारण है कि अन्य देवी देवताओं के जन्म उत्सव आदि पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन भगवान महाकाल की विवाह वर्षगांठ मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल के मंदिर को विवाह मंडप के रूप में सजाया संवारा जाता है। शिव पार्वती के विवाह की इस महारात्रि को विशेष पूजा होती है। पूरी रात वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजन अभिषेक किया जाता है और इस ऐतिहासिक परंपरा को बिहार के कटिहार के कोड़ा थाना में अनोखे तरीके से मनाया जाता है। थाने के थानेदार को महाशिवरात्रि की रात अपनी ब्याहता के साथ पुनः विवाह करना होता है। महाशिवरात्रि की रात कोड़ा थाना में चर्चित थाने की शिव मंदिर में पुलिस कर्मी खाकी वर्दी को खोल शेरवानी और गुलाबी टोपी को पहनकर आज थाना अध्यक्ष में थाना अध्यक्ष के साथ बारात की गश्ती के साथ ठुमके थिरकते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि वर्षों पुराने इस कोड़ा थाना की रीति रिवाज को निभाने की बारी महाशिवरात्रि की रात आती है। कोड़ा थाना के थाना अध्यक्ष कोड़ा थाना के वर्षों पुरानी परंपरा को निर्वाह करने के लिए पुनः शिव बनाकर अपनी ही पत्नी से पुनः विवाह के लिए बारात लेकर निकल पड़े हैं। जहां बारातियों में जनप्रतिनिधि और प्रशासन शामिल हुआ है, डीजे की थाप पर स्थानीय लोगों के साथ साथ कोड़ा थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मी भी नाचते हुए इस अनोखी बारात में शामिल हुए हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को दोहराया जा रहा है। करीब 40 वर्ष से दोहराई जा रही इस परंपरा को निर्वाह हर पर पद स्थापित थानेदार करना बताया जाता है। रस्मों रीति रिवाज के साथ महाशिवरात्रि की रात पुनः विवाह शिव पार्वती के रूप में शिव मंदिर में पारस्परिक तरीके से संपन्न होता है। थाना क्षेत्र के बसगड़ा पंचायत के लोग दुल्हन पक्ष के होते हैं, जबकि कोढ़ा पंचायत और प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग दूल्हा पक्ष से होते हैं। जहां संधि मिलन के पश्चात जयमाला की विधि के बाद विवाह संपन्न होता है। लोगों की माने तो भारत का यह पहला ऐसा थाना है जहां विवाहितों को इस महापर्व पर पुनः विवाह करना होता है। कोड़ा थाना में निर्मित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की रात पद स्थापित थाना अध्यक्षकों के लिए पुनः विवाह के लिए विख्यात है, जहां कई राज्यों से श्रद्धालु इस अनोखे विवाह को देखने के लिए शामिल होते हैं। आज शिव के रूप में मौजूद है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? परिसर में महाशिवरात्रि को लेकर काफी हर्षोल्लास के साथ भीड़ लगी हुई है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोड़ा थाना परिसर में पूर्वजों से यहाँ का जो प्रथा है कि यहाँ के थाना अध्यक्ष उनकी धर्म पत्नी यहाँ पे शिव पार्वती का एक स्वरूप बनते हैं और उनका विवाह हो जाता है, ये हम लोग का पूर्वजों से चलते आ रहा है। आपका परिचय? समाज सेवी बीजेपी मिथुनपुर। इस प्रोग्राम का आयोजन किए जो हर एक साल होते रहता है। थाना अध्यक्ष आज शिव के रूप में है, उनकी धर्म पत्नी पार्वती के रूप में है, क्या ये कोड़ा थाना प्रभारी हर वर्ष थाना प्रभारी शिव के रूप में और उसकी पत्नी पार्वती के रूप में हम लोग उसका सपोर्ट किए। आपका परिचय? कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।